गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और ये बिल्कुल फ्री है। शायद बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग पहले अटेंड की होगी, कुछ लोगों के लिए रिफ्रेशर होगा और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगी। सो आज एक ऐसी ट्रेनिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं ये ट्रेनिंग से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माइंड्स में आपके मेंटल ब्लॉक बने हुए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता दुनिया में सिर्फ दो काम करके मिलती है, क्योंकि सफलता हमेशा दो हर सफल काम दुनिया में दो बार हुआ है। सबसे पहले सफल काम होता है किसी भी इंसान के दिमाग में और उसके बाद वो प्रैक्टिकल में हो पाता है। सो सफलता सबसे पहले जनरेट कहाँ होती है, वो होती है आपके माइंड में। लेकिन माइंड में जनरेट तो जब हो जब हमारे दिमाग से कुछ फियर निकले, कुछ डर निकले। तो एक डर एक बहुत बड़ी चीज जो आपको कहीं ना कहीं रोकती है, आपके अंदर अनलीश पोटेंशियल है। यू ऑल हैव अनलीश पोटेंशियल, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो डर हमारे ऊपर इतने भारी पड़ गए हैं। और कमाल की बात यह है, जो डर ना ही, अगर मैं आपसे पूछूं आपको डर क्या है, तो आप उनको शब्दों में बता भी नहीं पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि आपको इस बिजनेस में डर लगता है, तो आप कहोगे हाँ सर लगता तो है। फिर मैं पूछूंगा क्या डर लगता है, सर लोग मना कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये क्या डर है, ये डर है? अगर लोग मना करते हैं तो क्या ये डर है? नहीं सर मैं बता नहीं पा रही हूँ, ये बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो लगता है, कुछ तो लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, जो कुछ तो लगता है वो कुछ क्या लगता है, किसके करके आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप हिडन करते हो। सो क्योंकि गाइज आप सब कुछ कर सकते हो दुनिया में, जो आप सोचते हो वो आप सब कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डर कुछ है नहीं, एक इमोशन है। और ये कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं और से आता है, जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो वो चीजें उतनी बड़ी होती जाती हैं। और जहां आप एक्शन नहीं लेते हो सिर्फ आप सोचते हो, वो चीजें उतनी बड़ी होती जाती हैं और वो ही एक डर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए लोग इस प्रोफेशन को अलग नजरों से देखने लग जाते हैं। अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोग मुझे मना कर देंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो कई प्रकार की चीजें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज अपने फियर, अगर आपको कोई डर है, तो उस डर को समझने के लिए इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे रिड ऑफ किया जाए, यानी इसको कैसे खत्म किया जाए, और कैसे अपने पोटेंशियल को और अच्छे तरीके से यूज करते हुए इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस को डेवलप किया जाए और अपने सपनों को अचीव किया जाए, और जो आपके गोल हैं उन गोल्स को आप अचीव करें और इस बिजनेस में एक अपार कामयाबी आप हासिल करें, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। और कई लोगों ने मुझे सुना होगा, कई लोगों ने मुझे नहीं सुना होगा। सो आज आप लोगों के बीच में हूँ, तो ये मौका नीना मैम ने मुझे दिया, नैना मैम ने। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एक बार मैं फिर आपका थैंक यू करना चाहूंगा। और आज जो मेरी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है, जो मैं आज ट्रेनिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसका मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज आप समझ पाए आपके कुछ डर हैं आपके अंदर, वो डर को आप समझ पाए, इनको समझने के बाद इनको खत्म कैसे करें, इसके ऊपर ज्यादा जरूरी है। तो कुछ कॉमन डर रहते हैं लोगों के दिमाग में इस बिजनेस में आने के दौरान और आने से पहले और आने के बाद भी। तो सबसे पहला डर लोगों के पास क्या रहता है? सबसे पहला डर होता है फियर ऑफ फेलियर, यानी मैं फेल हो गया तो, मैं पास नहीं हो पाया तो, मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया, मतलब मैं फेल हो गया तो। यानी सबसे पहला डर क्या है, मैं फेल हो गया तो, पहली चीज। दूसरा फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी जब मैं लोगों के पास जाऊंगा लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तीसरा फियर ऑफ सक्सेस, मैं कामयाब हो पाऊंगा क्या, मैं कामयाब हो पाऊंगा, तीसरा सबसे बड़ा डर। चौथा फियर ऑफ व्हाट अदर थिंक, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, यानी लोगों को बड़ा डर है यार, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं ये काम करूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फियर ऑफ बीइंग परसीव्ड एज अ पुसी एंड अ सेल्सी। कई लोगों को क्या लगता है कि ये लोगों को पुश करने वाला काम है, लोगों को चिपकाने वाला काम है, इसमें लोगों को चिपकाओ और माल बेचो, बस ये काम है, यानी वो उस बिजनेस को समझ ही नहीं पाते। तो ये कुछ डर रहते हैं लोगों के दिमाग में।
अब ये डर तो मैंने इनके ऊपर बात कर ली, लेकिन ये डर आपके भी है, यही कुछ चीजें आपके दिमाग में भी रहती हैं, और इसीलिए जितना अच्छा आप इस बिजनेस को कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, क्योंकि ये मेंटल ब्लॉक्स आपके पास हैं। तो आप इनको आपने समझना है, और समझकर एक आज जहां जहां मैं आपको समझाऊं बिल्कुल समझिएगा, और यू हैव टू मेक नोट्स, नोट्स भी बना ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि याद थोड़े समय तक रहेगा, फिर लंबे समय तक याद रहने वाला नहीं है। तो इनको रिड ऑफ कैसे किया जाए, यानी इनको खत्म कैसे किया जाए, तो चलिए मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं, और सबसे पहले डर के ऊपर बात करता हूं, फियर ऑफ फेलियर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर यानी फेलियर का बहुत बड़ा डर है, फेलियर का बहुत बड़ा डर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फेलियर क्या है, फेलियर क्या है? अगर आप कहते हैं इस बिजनेस में मैं फेल हो गया, तो फेल आप क्या, आप किस आधार पर कहते हैं कि आप फेल हो गए? अगर आप कहते हो कि मैं फेलियर हो गया इस बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरा सवाल होगा कि आप किस आधार पर ये कहते हो कि आप फेल हो गए? तो कई लोग क्या कहते हैं, हियरिंग सर मैं लोगों से नो सुनता हूं इसलिए मैं फेल हो गया। लेकिन हकीकत बात तो यह है, नो तो कोई फेलियर है ही नहीं, नो तो कोई फेलियर है ही नहीं, हियरिंग इज नो नॉट अ फेलियर। सबसे पहली बात समझ लो कि अगर आपको लोग ना कहते हैं तो ना कोई फेलियर नहीं है। आपने किसी को प्लान दिखाया, अगर उसने आपको मना कर दिया, तो दिस इज नॉट अ फेलियर, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है, ये कोई फेलियर नहीं है, ये पार्ट है। लेकिन कई लोग नो को फेलियर समझते हैं, ये सबसे एक सबसे बड़ी भूल वो इस बिजनेस में करते हैं। तो सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर को आपको समझना पड़ेगा, फेलियर हकीकत में होता क्या है। देखिए आप भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में दो ही चीज होंगी, या तो लोग करेंगे या तो लोग नहीं करेंगे, दो ही चीजें होंगी, या तो लोग करेंगे या तो लोग नहीं करेंगे, यानी इस बिजनेस के दो पार्ट हैं, यस और दूसरा है नो। अगर यस, अगर आप कहते हो एक इंसान के आने से आप सक्सेस नहीं होते, सक्सेस कब होगे जब बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क के अंदर आएंगे, तो ठीक इसी प्रकार से ना सक्सेस यस पर और ना फेलियर नो पर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लर्न बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड सेटबैक एंड फेलियर। सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए कि आप इस बिजनेस में, इस बिजनेस को कर रहे हैं तो रुकावटें आएंगी, रुकावटें आएंगी यानी लोग मना करेंगे, सेटबैक्स आएंगे, कई बार लोग आपको मना करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल बट नॉट अ फेलियर, ये फेलियर नहीं है, ये क्लियर सी बात याद रखना। और हर कोई इंसान सेटबैक्स का सामना करता है, ऑब्स्टेकल का सामना करता है, हर कोई इंसान। क्या नैना गुप्ता मैम ने फेलियर का सामना, सॉरी सेटबैक का सामना नहीं किया होगा? क्या ऑब्स्टेकल इनको नहीं आई होंगी? क्या रुकावटें इनको नहीं आई होंगी? क्या लोगों ने इनको ना नहीं कहा होगा? नहीं, लेकिन ये काम करती रही करती रही करती रही, और आज आपके सामने यूसीडी है, यूसीडी है। तो ठीक इसी प्रकार से, तो यहां पर आपको समझना चाहिए, नो इज नॉट अ फेलियर। अगर कोई इंसान मना करता है, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्स्टेकल एंड सेटबैक्स बट नॉट अ फेलियर। आप वेस्टीज में जब तक फेल नहीं हो सकते, जब तक आप लोगों के ना करने के कारण इस बिजनेस को ना छोड़ दो। ठीक उसी प्रकार से आप में से शायद कोई ऐसा रहा हो, या ऐसा नहीं भी रहा हो, या कभी ऐसा टाइम आया हो कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो किसी क्लास में हम फेल हो गए हों, या किसी पेपर में हम फेल हो गए हों, अगर उस क्लास में फेल होने के कारण आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आप फेलियर थे। अगर आप फेल हुए और आप पढ़ते रहे तो हुआ क्या, वो क्लास अपने आप पास हो गई, यानी वो एक सेटबैक था, वो एक मोमेंट था, उस मोमेंट को आपने काम करते रहे, वो मोमेंट पास हो गया। दिस इज ऑल अबाउट ऑब्स्टेकल एंड सेटबैक बट नॉट अ फेलियर। तो आज मैं बार बार इस चीज पर ध्यान ज्यादा दे रहा हूं कि इस बात को आप जरूर समझिए, नो इज नॉट अ फेलियर। आइए आगे चलते हुए, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको कैसे रिड ऑफ कर सकते हैं? अगर आप इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, फोकस ऑन योर एक्टिविटी नॉट द रिजल्ट। कि सिंपल सी बात है, अपने काम आप करते क्या है, हम लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, काम पर फोकस नहीं करते, तो रिजल्ट निकलता है नेगेटिव। लेकिन अगर आप काम पर फोकस करोगे तो रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव निकल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, काम पर फोकस नहीं करते, इसीलिए रिजल्ट हमें कभी कभी नेगेटिव देखने को मिलता है, यानी सेटबैक्स मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस डर को आप खत्म करना चाहते हो तो रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, काम पर फोकस करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इम्प्रूव योर स्किल एंड वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हो कि ये डर मेरा खत्म हो जाए, तो सिंपल सी बात है, देखिए दुनिया में आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपनी अपनी कमियां
अपने से बेहतर कोई नहीं जानता, अपनी कमियां अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। यानी इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम करना होगा, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होगी, किताबें पढ़नी होंगी, यानी बहुत कुछ नया सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, लोगों को सिखाएंगे क्या? क्योंकि ये बिजनेस बड़ा सिंपल है, सिंपल सी बात है, याद रखना, कोई भी इंसान इंसान को नहीं मानता, उसके ज्ञान को मानता है। याद रखना, कोई इंसान इंसान को नहीं मानता, उसके ज्ञान को मानता है। इंसान की कभी पूजा नहीं होती, उसके ज्ञान की पूजा होती है, याद रखना। इंसान की कभी पूजा नहीं होती, उसके ज्ञान की पूजा होती है, सिंपल सी बात है। अगर आप में वो एक्स फैक्टर डेवलप होता है कि आपकी बात सुनकर लोग उस बात को एडमायर करते हैं, हाँ यार ये सर ने सिखाया ये बिल्कुल सही है, यार ये मैडम ने सिखाया ये बात तो बिल्कुल सही है, जिस दिन लोग आपसे एग्री करना शुरू कर देंगे उस दिन लोगों के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन लोग एग्री कब करेंगे? जब आप अपनी नॉलेज को इनहांस करेंगे, यानी आप सीखेंगे, अपने स्किल्स पर काम करेंगे। आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, यानी स्किल्स अपने आप को रीपॉलिश करना होगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। देखिए, इस बिजनेस के अंदर आपको कोई पैसे तो लगाने नहीं है, कोई पैसे तो आपने लगाने नहीं है, कोई करोड़ों रुपए आपने लगाने नहीं है, लाखों रुपए आपने लगाने नहीं है। सिंपल सी बात है, जो घर का सामान जो यूज करते हो वही आप लेते हो, तो यानी इन्वेस्टमेंट हो गई जीरो, इन्वेस्टमेंट हो गई जीरो। इन्वेस्टमेंट एक है कि अपने आप को हमेशा सिखाते रहो, यही इन्वेस्टमेंट है, बस यही इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में। हमेशा अपने आप को सिखाते रहो, यही इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज, लुक एट एवरी फेलियर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इस बिजनेस को, अगर इस बिजनेस में आप धूम मचाना चाहते हो यार, कमाल करना चाहते हो, आप में से यस को तो सारे लोग एंजॉय करते हैं, पर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी नो को एंजॉय करते हैं? कोई आप में से कभी ऐसा है जब आप ग्रुप मीटिंग करते हो तो आप कहते हो कि ये तो आप कहते हो, अरे मेरी टीम में वो टीम आ गई, मजा आ गया, छह लोग आए, अरे बड़े दमदार लीडर हैं। लेकिन आप में से कोई ऐसा बोलता है क्या कभी, अरे यार मजा आ गया, आज मैं प्लान दिखाने गया पर उसने मुझे मना कर दिया यार, लेकिन मना तो कर दिया पर मजा आ गया यार। कोई आप में से ऐसा है जो अपने नो को एंजॉय करता है? नो को एंजॉय करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिर्फ यस को एंजॉय करना जानते हैं, नो को लर्ने नो को हम एंजॉय नहीं करते। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना एक चीज, हर नो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर नो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और नो के बाद ही दुनिया में यस आता है, नो के बाद ही दुनिया में यस आता है। लेकिन हम यस को तो एंजॉय करते हैं, नो को एंजॉय नहीं करते। लेकिन याद रखना, जब तक सीखोगे नहीं जब तक होगा नहीं, और हर नो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस देके जाता है, और यही एक्सपीरियंस है जो इस बिजनेस में आपको ग्रो करता है, ग्रो करता है। सो कभी भी नो को, हमेशा नो को यह याद रखिए कि ठीक है यार, मैंने नैना गुप्ता जी को प्लान दिखाया, इन्होंने मुझे मना कर दिया, अरे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज ये तो समझ में आ गया कि अगली बार मुझे कोई और इंसान मिलेगा नैना गुप्ता जी से, तो मुझे उसको कैसे प्लान दिखाना है और किस तरीके से बात करनी है। और वो आप कब सीखोगे? जब आप लोगों से बात करोगे। हो सकता है नैना मैडम मना कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर नैना मैडम जैसे जितने भी लोग मिलेंगे वो मेरे को यस जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आज सीख कर आया हूं कि कैसे बात करनी होती है और क्या चीज बतानी होती है और किस तरीके से बतानी होती है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, याद रखना। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस बिजनेस में कामयाब वही होता है जिसका जितना बड़ा क्यों होता है, जिसका जितना बड़ा क्यों होता है। तो रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्ट, हमेशा याद रखना कि अपने आप, जब आपको लगे कि जब आप थक रहे हो, जब आपको लगे कि यार अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अपने व्हाई को याद करना कि आपने क्यों स्टार्ट किया था ये बिजनेस। और इस फियर ऑफ फेलियर से निकलने के लिए सिंपल सी बात है, देखिए मार्केटिंग में कुछ सही और गलत नहीं होता, दुनिया में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं ये करता हूं और ये मतलब पत्थर की लकीर है, तो वो गलत है। दुनिया में कुछ सही और गलत नहीं होता, जिन चीजों से आपका बिजनेस बढ़ता है बस वही सही होता है, याद रखना। बिजनेस एक ऐसी चीज है, जिन चीजों से आपका बिजनेस बढ़ता है सिर्फ वही सही होता है। तो नई नई चीजें सीखो और नई नई चीजें अप्लाई करो, नई नई चीजें सीखो और नई नई चीजें अप्लाई करो, और जिनसे बिजनेस बढ़ता है उन चीजों को ज्यादा अप्लाई करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ो। तो फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने के लिए आपको इन चीजों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, दूसरा अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए, और हर फेलियर को एक एक्सपीरियंस के तौर पर यूज कीजिए, और चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई,
याद रखिएगा कि आपने शुरू क्यों किया था। और पांचवी सबसे बड़ी चीज, हमेशा नई चीज सीखो और नेटवर्क को सिखाओ, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, ये कंटिन्यू करते रहो। अगर ये आप करते रहोगे तो फियर ऑफ फेलियर हो जाएगा कम। तो पहले डर के ऊपर बात की, अब चलता हूं दूसरे डर के ऊपर, फियर ऑफ रिजेक्शन। कई लोगों को रिजेक्शन का बड़ा डर है, कई लोगों को रिजेक्शन का इतना बड़ा डर है, द फियर ऑफ रिजेक्शन is when someone fears another person telling them no, they fears they won't accept or approve of what they had saying or doing। यानी fear of rejection कई लोगों को बहुत है, कई लोगों को इतना rejection का डर है, कुछ पूछिए मत, उनको क्या लगता है जब मेरे को लोग ना कहेंगे और जब मैं उनके पास प्लान दिखाने जाऊंगा वो मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, मेरे काम को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे काम के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। यानी ये वो लोग होते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी ये वो लोग होते हैं, अगर मैं समझाना चाहूं, ये उस प्रकार की सोच के लोग होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस दूसरों के सोचने से मिलता है, इनको अपने अपने सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। ये कौन लोग होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सब स्कूल तो गए होंगे यार, है ना, सब स्कूल गए होंगे, तो स्कूल के दिनों में याद करो, एक ऐसा पल भी होता था कि आप जब आपका एग्जाम होता था तो आप पूरी पूरी रात पढ़ते थे, और कई लोग इतने पढ़ाकू भी हुआ करते थे कि एक किताब को 10-10 बार पढ़ लिया करते थे, है ना, 10-10 बार पढ़ लिया करते थे, पता नहीं कैसे पढ़ लिया करते थे लेकिन पढ़ तो लेते ही थे, 10-10 बार एक किताब को पढ़ लेते थे। लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे 10 बार क्यों ना पढ़ लें, वो क्वेश्चन जो 10 बार पढ़कर आए हैं वो क्यों ना पढ़ लें, वो क्वेश्चन उन्हें याद हो गया हो और वही क्वेश्चन पेपर में आता था तो भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बगल वाले की कॉपी झांकी जाती थी और जो वो लिखता था वही सही माना जाता था, यानी खुद को पता है लेकिन तो भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी ये वो किस्म के लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सिंपल सी बात है, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनको बस यही लगता है कि लोग मेरे काम को करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा को यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, यानी रिजेक्शन का इतना बड़ा डर है। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे निकला जाए, इस डर से आप कैसे निकल सकते हो, इसको कैसे रीड ऑफ कर सकते हो, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। एक्सेप्ट अ नो बट फॉर आई बट फॉर होप बट होप फॉर आई यस। डेफिनेटली आप दुनिया में या कोई भी नेटवर्कर सिर्फ यस के लिए काम करता है, लेकिन नो इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, मैंने पहले भी कहा था नो इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, लेकिन नो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है नो आ रहा है, ठीक है मुझे किसी ने ना किया है, ठीक है लेकिन मैं काम यस के लिए करता हूं, लेकिन नो आ रहा है तो नो को भी एक्सेप्ट करो, ठीक है उन्होंने मुझे मना कर दिया कोई बात नहीं, चलिए एक्सेप्ट कर लो, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो पहली चीज। दूसरी चीज, मेक इट ओके फॉर अदर टू से नो, अगर कोई इंसान मना भी करता है ओके सर थैंक यू वेरी मच। और एक बात याद रखना, बिजनेस और आप दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, कोई इंसान आपको मना नहीं करता, आपके बिजनेस को मना करता है, तो आपको ये नहीं मान के बैठ जाना कि वो मुझे मना कर रहा है, अरे वो आपको मना नहीं कर रहा, आपके बिजनेस को मना कर रहा है, ठीक है आज नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, ओके सर थैंक यू, इट्स योर डिसीजन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, इस तरीके से क्लोजिंग करनी है। तीसरी चीज, ध्यान से देना, ध्यान रखना, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ कोच नॉट अ सेल्स पर्सन। एक बात याद रखना यार, तुम इस बिजनेस के अंदर सेल्स पर्सन नहीं हो, तुम हो कोच, तुम हो मेंटर, तो कोच की तरीके से सोच रखो और कोच की तरीके से काम करो। और याद रखना, एक क्लास में टीचर 70 लोगों को पढ़ाता था तो क्या 70 के 70 लोग आईएएस बन गए, क्या 70 के 70 लोग आईपीएस बन गए, एक कोच कितने लोगों को क्रिकेट सिखाता है, क्या हर कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है, क्या हर कोई विराट कोहली बन जाता है, कितने लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए आए थे, याद करो वो पल जब आपने ज्वाइन किया था, आपके साथ कितने लोग आए थे, कितने तो घर चले गए यार, कितने तो लौट के घर चले गए, हर कोई आप जैसा भी नहीं बन पाया। तो याद रखना, यू आर अ कोच नॉट अ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन का काम क्या है, लेकर आया बस बेच दिया, काम खत्म। क्या आपका काम खत्म होता है, अगर किसी को आप ज्वाइन कराते हो 1 महीने आपने बेच दिया तो क्या आपका काम खत्म होता है, नहीं होता ना यार, अगले महीने की प्लानिंग शुरू हो जाती है, ये महीने की प्लानिंग खत्म, अगले महीने की प्लानिंग शुरू हो जाती है, आप उसको गाइड करने लगते हैं, इस महीने हम ऐसा करेंगे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी आप लोगों को कोच करते हो, आप लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करते हो, आप लोगों को डायरेक्शन देते हो। तो जब डायरेक्शन देते हो तो यार हर इंसान सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता यार, ये बात याद रखना। जब आपको ये बात पता है तो इतना इंपैक्ट क्यों होता है, अगर कोई इंसान ये पता है कि मैं जाऊंगा हर कोई मुझे हाथ तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, हर कोई मुझे हाथ तो नहीं करेगा, ना भी करेंगे, करेंगे तो करेंगे, दैट्स इट, मैं तो भाई कोच हूं, मैं तो कोच हूं, मेरा तो काम है कोचिंग देना, आ गया तो ठीक,
काम करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तेरी मर्जी, तेरी जिंदगी, दैट्स इट। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को इस तरीके से आपने लेना है। चौथी चीज ध्यान से सुनना, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मेकिंग अ सेल्स। याद रखना है, अगर बिजनेस में सच में बड़ा काम करना चाहते हो, सच में बड़ा काम करना चाहते हो, तो याद रखना फोकस ऑन रिलेशनशिप, हमेशा रिलेशनशिप मेंटेन करना, बिजनेस अपने आप बन जाएगा। हमेशा रिलेशनशिप मेंटेन करना, बिजनेस अपने आप बन जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप बिजनेस मेंटेन करते हो, रिलेशनशिप नहीं बनती। होता क्या है, 4-6 महीने आपकी टीम में, फिर छोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है मेरे दोस्त, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है, आपके इमोशन नहीं जुड़े हैं, इमोशन नहीं जुड़े हैं। एक बात आप मुझे बताइए यार, एक आप बात मुझे बताइए यार, कि मान के चलिए यार, आप बहुत सारी मदर्स यहाँ बैठी हुई हैं, आपके बेटे को कोई मारे तो आप क्या करोगे यार, क्या करोगे, क्या करोगे, महसूस करो, अगर आपके बेटे को कोई मारे तो आप क्या करोगे यार, मुझे बताओ, आप क्या करोगे, बेटे को मार रहा है, क्या करोगे? किसी लिए भी मार रहा है, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, वो मार रहा है, क्या करोगे? 4 लोग आपके बेटे को मिलके मारते हैं, आप वहां पर खड़ी हो, क्या करोगी, क्या करोगे? ये सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, क्या करोगे, सिचुएशन दे रहा हूं, क्या करोगे? बचाएंगे, ओके, बचाने की कोशिश करेंगे बेटे को। अच्छा, और अच्छा, आप लेडीज 4 लोग मार रहे हैं, आप बचाने की कोशिश करेंगे, ओके, और क्या करोगे? सेव करेंगे, ओके, और कोई मेरे जैसा होगा, अगर कोई मेरे जैसा फादर होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तो डंडा उठाऊंगा, अगल बगल कहीं पड़ा होगा और मैं तो चिपक जाऊंगा। यानी हर कोई अपने हिसाब से सेव करता है। अच्छा, क्यों करोगे यार, क्यों करोगे, क्यों आप ऐसा करोगे यार, क्यों करोगे? मारेंगे, अच्छा आप क्यों करोगे ऐसा, मारोगे, बचाओगे, क्यों करोगे, क्यों करोगे बताओ? क्योंकि बेटा है, वेरी गुड, क्योंकि बच्चा है, वेरी गुड, क्योंकि बच्चा है, बेटा है ना, क्योंकि बच्चा है, बेटा है, क्योंकि उसके साथ आपके इमोशन जुड़े हैं मेरे दोस्त, याद रखना, क्योंकि उसके साथ आपके इमोशन जुड़े हैं, आपके इमोशन जुड़े हैं क्योंकि आपका बच्चा है। ये बिजनेस भी तो आप ही का ही है, ये बिजनेस भी आप ही का ही है, मालिक आप हैं, और आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस को अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने बिजनेस को क्यों नहीं बचाते? इससे आपके इमोशन नहीं जुड़े क्या? इससे आपके इमोशन नहीं जुड़े? जुड़े हैं इमोशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम रिलेशनशिप पर काम ही नहीं करते, हम रिलेशनशिप पर काम ही नहीं करते, प्रॉब्लम तो ये है, हम तो बिजनेस में काम कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में काम करोगे तो इमोशन जुड़ता है लोगों का, और याद रखना इमोशन में आदमी कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देता है। और अगर मान के चलो कि इमोशन में आप कुछ भी कर दोगे, अपने बच्चे को बचाने के लिए आप उनकी भी जान लेने को तैयार हो जाओगे, क्यों? क्योंकि आपका इमोशन जुड़ा है। यानी जो इंसान होश में नहीं करता वो इमोशन में करता है, और इमोशन का मतलब पता है क्या होता है? एनर्जी विद मोशन, एनर्जी विद मोशन, वो होता है इमोशन। जिस दिन आपके इमोशन जुड़ जाएंगे लोगों के साथ, मैं गारंटी लिख के देता हूँ मेरे दोस्त, 100 लोग होंगे, 100 में से 99 नहीं होंगे, 100 ही रहेंगे। कोई और कंपनी वाला, कोई और टीम वाला या कोई भी आ जाएगा, वो कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके इमोशन जुड़े हैं। और इमोशन कब जुड़ेंगे? जब आज के बाद आप कसम खा लो कि जब भी चाय पीऊंगी या जब भी चाय पीऊंगा, अपने पैसों की नहीं पीऊंगा, दूसरे के पैसों की पीऊंगा। यानी दिन में 3 चाय पीते हो, जब भी प्लान दिखाने जाते हो, दुनिया तुम्हें चाय पिलाती है, दुनिया तुम्हें चाय पिलाती है ना, 3 प्लान दिखाते हो, 3 चाय पी लो। यानी जब भी चाय पीने का मन करे जाओ, लोगों को प्लान दिखाओ और चाय पियो। और अगर चाय पीने की आदत पड़ गई ना मेरे दोस्त, याद रखना एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा, और स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा तो फिर जुड़ेंगे इमोशन, और इमोशन जुड़ेंगे तो याद रखना वो लोग कहीं जाने वाले नहीं। तो याद रखना फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मेकिंग सेल्स। क्लियर है? आइए अगली अगली चीज में आगे तरफ लेके चलता हूं आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नो।
अगर कोई इंसान आपको नो कहता है तो क्या वैल्यू है यार, क्या फर्क पड़ता है, उसकी कोई वैल्यू है नो की? जीरो को अगर नंबर से पहले लगाओगे तो वो नंबर की वैल्यू भी खत्म कर देता है, लेकिन जीरो की वैल्यू कब होती है? जब वो डिजिट के पीछे लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई इंसान हमारे बिजनेस में नहीं आता, नो कहता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल जीरो से पहले वो नंबर से पहले लगा हुआ जीरो है, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, याद रखना। और डोंट टेक इट पर्सनली यार, मैंने पहले भी कहा था, कोई इंसान आपको मना नहीं करता, आपके बिजनेस को मना करता है। आप उसके लिए आज भी अच्छे हो तो अपनी रिलेशन बिगाड़ने नहीं है। कोई आज मना कर रहा है, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा यार, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, और परसों नहीं तो जब आएगा, जब हमारी ऑडी निकलेगी, तब तो उसको पछतावा होगा, काश मैं भी आ गया होता तो तब तो आएगा, आएगा जरूर, डोंट वरी अबाउट इट। तो अपने रिलेशन खराब नहीं करने, क्लियर है? तो ये था फियर ऑफ रिजेक्शन। आइए अब ले चलता हूं आपको अगले अगले फियर के ऊपर, फियर ऑफ सक्सेस। कई लोगों को सक्सेस का बड़ा डर है, मैडम मैं काम तो कर लूंगा लेकिन गारंटी है क्या, कामयाबी मिलेगी क्या, गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए, है ना? कई लोगों को गारंटी चाहिए, कामयाबी मिलेगी क्या? मैं बिल्कुल कहता हूँ कामयाबी मिलेगी ना यार, कामयाबी 100% मिलेगी, लेकिन जो बताया जाए वो करोगे तो कामयाबी मिलेगी। सिंपल सी बात है, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी जब काबिल हो जाओगे, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वो कामयाबी की गारंटी चाहते हैं। नैना मैडम के पास आएंगे, नैना मैडम मैं काम तो कर लूंगी लेकिन मुझे ब्लैंक पेपर पे लिख के दे दो कि 2 साल के अंदर मेरा चेक 1 लाख रुपए का होगा। तो नैना मैडम कहेंगी हाँ मैं लिख दूंगी, लेकिन करोगे वही जो मैं करने को कह रही हूँ। सिंपल सी बात है यार, इस डर से निकलने का एक तरीका है। सबसे पहला तरीका, इंजॉय द जर्नी रादर देन फोकस ऑन द डेस्टिनेशन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फोकस है हमारा डेस्टिनेशन पर, लेकिन हम जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं, जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, सिद्धार्थ सिंह जी या आज हमारे पवन मलिक जी या आज हमारे सारे एम्बेसडर्स, सारे एम्बेसडर, सारे DUCD, सारे सारे UCD, सारे DCD, सारे क्राउन, सारे डायमंड, सारे स्टार, ये हर कोई जो भी लीडरशिप है आज वेस्टीज के पास, हर कोई DUCD, हर कोई DCD, हर कोई UCD, हर कोई एम्बेसडर बनना चाहता है ना? हर कोई सिद्धार्थ सिंह जी बनना चाहता है, लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी के बराबर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात यह है, यानी मंजिल पर जाना चाहते हैं लेकिन मंजिल के रास्तों को एंजॉय करना नहीं चाहते। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने अपनी फैमिली के साथ आप किसी टूर पे गए हो, या कोई टूर हो आपका, कभी अपने परिवार के साथ किसी टूर पे गए हो, याद हो आपको? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी आप श्रीनगर गए हो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, श्रीनगर गए, तो फ्लाइट से उतरे, एयरपोर्ट पर उतरे, आप टैक्सी में बैठे, आप गुलमर्ग के लिए जा रहे थे, आपको गुलमर्ग घूमने के लिए जाना था, ठीक है? सच बताना आप, क्या आप जब टैक्सी में बैठे थे तो क्या आंखों में काली पट्टी बांध ली थी आपने? जब तक गुलमर्ग नहीं आएगा मैं गाड़ी से अपना सर बाहर नहीं निकालूंगा, मैं आंखों से कुछ नहीं देखूंगा, क्या आपने ऐसा किया था? क्या आपने ऐसा किया था? किया था आपने ऐसा? कोई मुझे बताया किया था ऐसा? किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। अगर ऐसा करते तो क्या, अगर आप ऐसा करते तो क्या आप उस टूर को एंजॉय कर पाते? एंजॉय कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर तो काली पट्टी बांध कर बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बनना DUCD है, लेकिन जो रास्ते आएंगे मैं काली पट्टी बांध कर बैठा हूँ, मैं रास्तों को एंजॉय नहीं करूंगा लेकिन DUCD बनना है मुझे। ठीक, यही तो गलती इस बिजनेस के अंदर हम लोग कर रहे हैं आज के दिन, यही गलती हम इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं आज के दिन कि माई डियर फ्रेंड, जैसे आप एयरपोर्ट से उतरे हो गए, आप टैक्सी पर बैठे हो गए, गाड़ी चल रही होगी, हवा आपको लग रही होगी, आपकी आंखें अपने आप बाहर दिख रही होंगी, अरे वो देखो पहाड़, अरे देखो बर्फ दिख रही है, अरे देखो कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा नजारा है, यानी आप उन रास्तों को एंजॉय कर रहे थे, तब जाकर गुलमर्ग का मजे आपने लिए, है ना? रास्तों को एंजॉय किया। लेकिन हम वेस्टीज के अंदर रास्तों को एंजॉय क्यों नहीं करते हैं यार? रास्तों को तो हम रुकावटें मानते हैं, जिस दिन हम रास्तों को एंजॉय करने लग गए ना मेरे दोस्त, उस दिन मंजिल अपने आप आ जाएगी। यानी सिंपल सी बात यह है कि जो आज आपको लोग यस और नो कह रहे हैं, घबराओ मत, ये एक रास्ता है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, इसको एंजॉय करना सीख जाओ। जो मैंने पहले भी कहा, यस को तो दुनिया एंजॉय करती है लेकिन हम स्पेशल जब हैं जब हम नो को भी एंजॉय करते हैं। क्लियर सी बात। दूसरी बात,
डिसाइडिंग व्हाट सक्सीड मीन टू यू यार, अपने आप से पूछिए आपके हिसाब से सक्सेस क्या है। जिस दिन आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, जिस दिन बड़ा बैंक बैलेंस होगा, या वो सक्सेस है, या वो सक्सेस है जब लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारी जिंदगी बदल दिया, आपने हमें एक जीने का नया तरीका दे दिया। जब लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे वो सक्सेस है आपके लिए। कह रहा था कि दुनिया से झूठ बोलते हो वो ठीक है, लेकिन अपने आप से झूठ बोलते हो वो पाप के बराबर ही है। तो करना क्या है आपने, आप अपनी लिस्ट बनाइए जिन चीजों पर आपको अभी काम करने की जरूरत है या जिन चीजों पर आपको सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए आपको नहीं आता, उसको लिस्ट में लिखिए। आपको लोगों को इन्वाइट करना नहीं आता, तो नहीं आता तो नहीं आता लिस्ट में लिखिए। आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं है नॉलेज लिस्ट में लिखिए, यानी उनको लिस्ट में लिखिए और इनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे नहीं जब तक ऑब्स्टेकल बार बार आते रहेंगे, यानी रुकावटें बार बार आती रहेंगी, और जिस दिन ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी उस दिन आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि अगर आपको काम करना आ गया तो सिंपल सी बात है आप सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे। तो रुकावटें खत्म करो, यानी जिन चीजों पर काम करना है उन चीजों पर, उन चीजों की लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, अपने आप से छुपाओ मत और उन पर काम करना शुरू करो। और सोचो इनको दूर करने, इनको खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, और इनको अगर आपने दूर कर लिया तो डेफिनेटली आपको काम करना आ जाएगा, और काम करना आ जाएगा तो फिर सक्सेस का डर खत्म हो जाएगा। जैसे एलजेब्रा का जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता था तो नहीं आता था, लेकिन जिस दिन ये फॉर्मूला पता पड़ गया उस दिन एलजेब्रा बड़ी आसान हो गई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे सब पता था। तो ठीक उसी प्रकार से बिजनेस भी आपके लिए आसान जब ही होगा जब आप अपनी रुकावटें जो पैदा करते हैं, जिनके कारण आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, उनको दूर करेंगे। और उनको दूर कब करेंगे, जब अपनी कमियों की लिस्ट बनाएंगे, और उन पर काम करना शुरू करेंगे। ये है कड़वी सच्चाई, यह है कड़वी सच्चाई जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। यह है फियर ऑफ सक्सेस। अगर आप इससे बाहर, अगर आप इस डर को खत्म करना चाहते हैं, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये आप कर लीजिए, 100% आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। आगे चलते हुए, फियर ऑफ अदर थिंग। कई लोगों को बड़ा डर है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुछ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी कुछ लोग हैं, मैनी पीपल नॉर्मली विद लो सेल्फ स्टीम, जिनके अंदर हीन भावना बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर भावनाएं बड़ी, सेल्फ स्टीम बड़ी कम है, ये लोग हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते, दुनिया के बारे में सोचते हैं। अरे दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, दुनिया मेरे काम के बारे में क्या कहेगी, वो मेरे काम को रिस्पेक्ट देगी कि नहीं देगी, अरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अरे इतने साबुन तेल क्रीम शैम्पू का काम करना शुरू कर दिया, यही काम बचा था करने के लिए, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यानी ये वो लोग हैं, यानी जो हमेशा दुनिया की सोचते हैं। लेकिन आइए आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं कुछ। आगे चलिए, सबसे पहली बात यार, डोंट ट्राई प्लीज एवरीबडी। अपने जीवन में जो हर किसी को आपने इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंस उन्हें दी जाती है जो हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंस उन्हें दी जाती है जो हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर सबको इंपॉर्टेंस दोगे तो सिंपल सी बात है, सब जो आपको मना करेगा, जो आपके काम के लिए उल्टा सोचेगा, बस आप उसको अपने दिल पे लगा लोगे और फिर काम करना छोड़ दोगे। तो सबको इंपॉर्टेंस देना बंद करो, सबसे पहली बात तो उन्हीं को इंपॉर्टेंस दो जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, क्लियर सी बात। दूसरी चीज, कड़वी सच्चाई, इफ दे डोंट पे योर बिल सो स्टॉप वरिंग व्हाट दे थिंक। अगर वो आपके बिल पे नहीं करता तो क्या फायदा, क्या दिक्कत है, वो आए ना आए आपके काम में बोले, आपके आपके काम के बारे में बोले, क्या बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई इंसान आपके महीने का खर्चा नहीं देता, अगर तो भी वो आपको नो बोल देता है या आपके काम के लिए गलत सोचता है, तो क्या फर्क पड़ता है। अरे जो आपका बिल पे करता है अगर वो कुछ बोले तो सोचने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ, यहाँ बहुत सारी हाउसवाइफ बैठी हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कोई आपके रिलेटिव का, आपके रिलेटिव या आपके हस्बैंड का कोई फ्रेंड आपको आपके काम के बारे में कुछ बोलता है तो आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आपको फर्क कब पड़ता है? जिस दिन आपके हस्बैंड आपसे बोलते हैं, अरे तुमने ये कर दिया, अरे ऐसा हो गया, अरे तुम ये क्या कर रही हो, इससे आपको फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वही तो है जो हमारे बिल पे करते हैं, वही तो है जो हमारे बिल पे करते हैं। तो जो हमारे बिल पे करे अगर वो बोले तो सोचो, अगर जो हमारे बिल पे नहीं करता तो बहुत ज्ञानचंद है, दुनिया में ज्ञान देते रहते हैं, तो उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रियलाइज मोस्ट पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू एनी वे दे आर थिंकिंग अबाउट। और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई, किसी दुनिया में किसी इंसान के पास आपके सोचने के लिए टाइम नहीं है। एक ही तो पागल है जो आपके लिए सोचता है, वो है आपका अपलाइन, वो है आपका अपलाइन। तो दुनिया में किसी इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है।
आपके पास बहुत टाइम है उनके बारे में सोचने का, उसके पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है उनके। अरे वो मिसेस पिंकी को मैंने प्लान दिखाया था, अरे यार क्या कह रही होंगी मेरे पर। भले ही मिसेस पिंकी को ये नहीं पता कि किसका प्लान दिखाया था, लेकिन मिसेस पिंकी आपके बारे में सोच नहीं रही, लेकिन आप पिंकी जी के, अरे यार मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, मेरे काम के बारे में क्या सोच रही होंगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, सच्चाई ये है किसी के पास आपके सोचने के लिए टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। जब उनके पास टाइम नहीं है तो आप क्यों उनके बारे में सोचते हो, आप अपने टाइम को क्यों फील करते हो, सिंपल सी बात है, आज सिंपल। कि जब उनके पास टाइम नहीं तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और फिर दोबारा कहूंगा, डोंट टेक इट पर्सनल, कोई कहता भी है कुछ, सिंपल सी बात है यार, देखो कोई ना कुछ ना कुछ तो कहेगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ यहाँ पर, समझना। आप दुनिया का कोई भी बेस्ट काम कर दो, दुनिया का बेस्ट काम कर दो, जिसको कहना है ना वो कहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडी ले लो, अपना सपना पूरा कर लो, तो कुछ लोग तो ऑडी में ताली बजाएंगे, आपकी टीम ताली बजाएगी, मिठाई खिलाएगी, आप लाइन ने आज मेरे ऑडी ले ली। लेकिन कुछ लोग कैसे मिलेंगे आपको, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, हाँ बताओ गाड़ी तो थी, जरूरी थी 50 लाख की लेनी है, 5 लाख की ले लेते, गाड़ी तो गाड़ी होती है, कहाँ का 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। यानी कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि दुनिया का बेस्ट काम क्यों ना कर दो, तो भी आपको जिसको बोलना है वो तो बोलेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बाप और बेटे एक शानदार घोड़ा लेके जाते हैं, तो घोड़ा लेके चल रहे होते हैं, बाप राइट में है और बेटा लेफ्ट में चल रहा होते हैं, घोड़ा बीच में चल रहा होता है। तो एक भाई साहब उन्हें मिलते हैं, कहते हैं भाई साहब घोड़ा तुम्हारा बड़ा शानदार है, देखकर मजा आ गया, लेकिन तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो, इतना शानदार घोड़ा और तो भी जमीन पर पैदल चल रहे हो। ये सुनकर बाप बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ, बापू बात तो यो सही कह रहा है। तो बेटे बाप को बोलता है, बापू घोड़े पर बैठ जा। अब पापा घोड़े पर, बेटा पैदल, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। थोड़े समय बाद एक भाई साहब उन्हें और मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं उनसे, भाई साहब घोड़ा तुम्हारा बड़ा शानदार है, मजा आ गया, लेकिन तेरा बाप एक नंबर का पाप है, ऐसा बाप दुनिया में किसी को ना दे, बेटा चल रहा है पैदल और खुद बैठा है घोड़े पर। ये सुनकर बाप को बड़ी शर्म आती है, बाप बेटे से कहता है, बेटा अब तू बैठ जा घोड़े पर। अब बेटा घोड़े पर और बाप पैदल चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, एक इंसान उन्हें और मिल जाते हैं। बोलता है, भाई साहब घोड़ा तुम्हारा बड़ा शानदार है, मजा आ गया, ऐसा घोड़ा कभी देखा नहीं है, बड़ा शानदार घोड़ा है, लेकिन तुम्हारी औलाद एक नंबर की बेवकूफ औलाद है, ऐसी नालायक औलाद तो भगवान दुनिया में किसी को ना दे, बाप चल रहा है पैदल और खुद बैठा है घोड़े पर। ये सुनकर बेटे को बड़ी शर्म आती है, बेटा भी नीचे, फिर कंडीशन पहले वाली, बाप राइट में, बेटा लेफ्ट में, घोड़ा बीच में, चलने लगते हैं चलने लगते हैं चलने लगते हैं। फिर एक इंसान उन्हें और मिल जाता है, कहता भाई साहब घोड़ा देखकर तुम्हारा बड़ा मजा आ गया, बड़ा शानदार घोड़ा, लेकिन तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो, इतना शानदार घोड़ा तो भी तुम पैदल चल रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट काम क्यों ना कर लो, जिसको कहना है उसको कहना है, आप किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते, याद रखना, जिसको कहना है उसको कहना है। तो जो कहने वालों का जो काम है ना वो थोड़ा सा बंद कर दें। एक बड़ा फेमस गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा काम है आज के बाद कान में उंगली देना। सिंपल सी बात है। तो ऐसे लोगों को सुनना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा आपको टाइम नहीं निकालना, और ऐसे लोगों के लिए सोचने के लिए जरूरत नहीं है जो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। दिस इज अ रियलिटी, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हुए अब मैं बात करता हूं लास्ट फेयर की, जो आज का लास्ट फेयर रहेगा। सम पीपल्स क्या लगता है, चिपकाने वाला काम है ये, तो सेल्स करने वाला काम है। क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि सेलिंग की एक गलत रेपुटेशन है हमारे दिमाग में, सेल्स की जॉब कोई नहीं करना चाहता, सेल्स की जॉब की क्या गलत रेपुटेशन है। कई लोगों को लगता है, अरे भाई सेल्स में नौकरी बड़ा प्रेशर का काम है भैया, टारगेट होते हैं पूरे नहीं हो पाते, उनके पास अपने पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो यही सोचते हैं अब इसमें ही बड़े प्रेशर होंगे, इसमें बड़ा टारगेट होगा, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं तो सीधी साधी नौकरी करता हूँ और सीधा साधा काम करता हूँ। यानी कई लोगों को ये लगता है ये चिपकाने वाला काम है, ये सेल्स करने वाला काम है, लेकिन ना तो ये चिपकाने वाला काम है ना ये सेल्स करने वाला काम है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आइए इसके ऊपर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, डोंट यूज प्रेशर और हाइप, ना तो प्रेशर लो और ना किसी को प्रेशर दो, ना तो प्रेशर लो और ना किसी को प्रेशर दो। एक बात आप मुझे बताइए,
नैना गुप्ता मैम आपको बोलती होंगी इस महीने कितना करोगे, इस महीने कितना करोगे, नैना गुप्ता मैम आपको बोलती है कितना करोगे, इस महीने कितना ज्वाइनिंग कराओगे, क्या करोगे, बोलती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, नैना गुप्ता मैम बोलती हैं लेकिन बिजनेस तो आप अपने लिए करते हो ना यार, जो तुम करते हो उसका फायदा तुम्हें मिलता है, वो तो तुम्हारे लिए बोल रही है ना, वो तुम्हारे लिए बोल रही है। तो सिंपल सी बात है, डोंट यूज प्रेशर और हाइप। तो ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है और ना ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस है आपका, आप काम करते हैं तो अपने लिए कमाते हैं ना कि किसी और के लिए कमाते हैं, सिंपल सी बात यह है। काम करते हो अपने लिए कमाते हो ना कि किसी और के लिए कमाते हो, तो प्रेशर लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है और ना ज्यादा इतना हाइप करने की जरूरत है। क्लियर है? आगे चलते हुए ध्यान से दूसरी चीज सुनिएगा, डू मोर लिसनिंग एंड टॉकिंग, ज्यादा सुनो बोलो कम। ये जो सबसे सफल लोग हैं उनकी 7 हैबिट्स में से सबसे बड़ी हैबिट यही थी, डू मोर लिसनिंग देन टॉकिंग। ये सारे के सारे लोग एम्पैथिक लिसनर थे। एम्पैथिक लिसनर यानी हम लोगों के साथ क्या आदत है, तू खत्म कर बेटा तब तुझे मैं बताऊंगा, तू खत्म कर, यानी हम लोग तो जवाब देने के लिए सुनते हैं, है ना, आदत है ना, जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन ये लोग जवाब देने के लिए नहीं सुनते हैं, ये लोग समझने के लिए सुनते हैं। याद रखना, जवाब देने के लिए सुनोगे तो कभी भी सही तरीके से उस बात को नहीं समझोगे। तो जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। क्लियर है? दूसरी चीज, तीसरी चीज, प्रोडक्ट देने से पहले, प्रोडक्ट बताने से पहले प्रॉब्लम को समझो। देखो आज मैं आपको बात बताता हूं, आज जो भी कोई भी कामयाब कंपनी है, कोई भी कामयाब कंपनी दुनिया में, कोई भी कामयाब कंपनी है या कोई भी कामयाब लोग हैं या कोई भी कामयाब कंपनी है, पता है ये क्यों कामयाब है? ये प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये सॉल्यूशन बेचती है। ये प्रोडक्ट नहीं बेचती, सॉल्यूशन बेचती है। प्रोडक्ट को बिकने में दिक्कत आती है, सॉल्यूशन को बिकने में दिक्कत नहीं आती। जब याद करो, दुनिया में पहली बार जब फ्रिज बना था, फ्रिज पहली बार फ्रिज बना था, तो क्या लगता है आपको? फ्रिज बोलते, अरे इसमें ठंडा होता है, खाना सही रहेगा, बर्फ जमेगी और आप ठंडा पानी पियेंगे, तो क्या लोगों को समझ में आता? लोगों को समझाया गया, लेडीज को ये समझाया गया, जो आप खाना बनाएंगी वो 4 दिन तक फ्रेश रहेगा, 4 दिन तक फ्रेश रहेगा। तो लेडीजों को सबसे पहले समझ में आ गया, ओहो 1 दिन बनाओ 4 दिन खाओ। यानी समझ में आ गई बात, यानी लोगों को समझाया गया आप जो फल है, जो फ्रूट रखेंगे वो बिल्कुल ताजे रहेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, यानी लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा गया। याद रखना, सॉल्यूशन देखा गया। और आज देख लो, हर घर में तीन तीन चार चार फ्रिज दिखेंगे आपको और हर कमरे के अलग अलग फ्रिज भी दिखेंगे आपको, ये कंडीशन है, यानी सॉल्यूशन बिकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी किसी इंसान से आप बात करो, आस्क क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम बिफोर ऑफरिंग अ सॉल्यूशन। यानी किसी इंसान से आप बात कर रहे हो तो पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो और उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट बताओ। कोई ऐसा नहीं, कोई कोई मिल गया, अरे यार ये मिल गया, ऐसा करता हूँ उसे एक ही बार में 3,000 के प्रोडक्ट बता देता हूँ, बस नोनी खा लेना, गैनोड्रमा खा लेना, फ्लेक्स खा लेना, आंवला खा लेना और नींबू खा लेना और कोलेस्ट्रॉल खा लेना, ठीक हो जाओगे। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी है। सिंपल सी बात यह है, अगर मुझे कोई पैरों के घुटनों के दर्द वाला मिला फॉर एग्जाम्पल, तो उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम बताई, अब आप उन्हें कहिए मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट में बताना चाहूंगा, अगर आप इनको यूज करेंगी तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और मैंने ऐसे 10 लोगों को बताया, 10 के 10 लोगों को आराम मिला है, सिर्फ मैं 3 प्रोडक्ट आपको बताती हूँ। आपको कैल्शियम खाना है, आपको फ्लैक्स खाना है और इसके साथ आपको खाना है ग्लूकोसामाइन। अगर शुगर पेशेंट नहीं है, शुगर पेशेंट है तो ग्लूकोसामाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा सा थोड़ा हिल से आता है कभी 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 कभी, उसके साथ आप नीम ले सकते हैं फिर अगर शुगर के पेशेंट है। तो आपने ये बोला, वो यूज करेंगी, उन्हें फायदा आएगा, फायदा आएगा डेफिनेटली, वो 4 लोगों को अपने आप आपके पास लेकर आएंगी। याद रखना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सॉल्यूशन नहीं बेचते। मेरे दोस्त लंबा चलना है, सॉल्यूशन देखो, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज। और लास्ट, बी अ प्रोफेशनल, हमेशा प्रोफेशनल रहो, कि बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन की तरीके से रहो, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन की तरीके से एक्ट करो और उसकी तरीके से सोचो, तभी कहीं जाकर इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो पाओगे और इन डर को खत्म कर पाओगे, गेट रिड ऑफ, इन डर को आप खत्म कर पाओगे। एक लास्ट एक कोट जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, आगे ध्यान से पढ़ लीजिए, ये मैंने सामने एक लाइन्स कुछ लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर मैं इसको एलोब्रेट कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए।
चलिए मैं पढ़ देता हूँ सहूलियत के लिए, तो ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। देखिए सच्चाई यह है कि दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर होता है। एक चीज जो आर्मी से आपको सीखनी चाहिए, मेरा एक आर्मी बैकग्राउंड रहा है तो मैंने बहुत चीजें लर्न की है, लेकिन एक चीज जो हमें सीखनी चाहिए कि दुनिया में हर किसी चीज को किसी ना किसी चीज का डर होता है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर डर को आप ऐसे ही कंट्रोल करोगे तो शायद वो कंट्रोल होगा या नहीं होगा। लेकिन डर में एक चीज याद रखना, डर को अगर कंट्रोल करना है तो अपने एक्शन के साथ कंट्रोल करो। एक्शन करोगे तो डर कंट्रोल हो जाएगा। यानी डर हर किसी इंसान को किसी ना किसी चीज का डर होता है, लेकिन उस डर में आप काम क्या करते हो, आप एक्शन क्या करते हो। अगर आप यही सोचकर बैठोगे और बिजनेस बड़ा मुश्किल है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, कुछ नहीं होने वाला। अगर एक्शन करोगे, बिजनेस मुश्किल है ये सीख लो, बिजनेस आसान हो जाएगा। प्लान दिखाना सीखो, बिजनेस आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट की नॉलेज लो, बिजनेस आसान हो जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग्स करो, बिजनेस आसान हो जाएगा। रीपर्चेस करो, बिजनेस आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी एक्शन लो। सोचोगे तो डराएगा, डराएगा और इतना डराएगा कि कई लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, याद रखना। लेकिन ये बिजनेस बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल देता हूं, देखना अभी आप खुद जवाब दोगे। आप में से कुछ लोग वॉकिंग करने जाते होंगे। चलो मैं एक छोटे सी सिचुएशन आप लोगों को देता हूँ। आप 10 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं, आप बहुत थक गए। अब कंडीशन आपकी ये है कि अब आपने जवाब दे दिया, सर अब हमसे तो ना हो पाएगा, 10 किलोमीटर चल लिए, बस बहुत चल लिए, अब हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मैंने कहा आपसे नहीं हो पाएगा, आपने कहा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने कहा अभी देखो होता है, मैंने आपके पीछे छोड़ दिया बुलडॉग, जानती हो ना बुलडॉग, जहां से पकड़ेगा वहीं से 5 शेर को उस मांस खींच लेगा। कुत्ता यानी बुलडॉग जिसका मुंह इतना बड़ा होता है, वो मैंने आपके पीछे छोड़ दिया या किसी ने आपके पीछे छोड़ दिया। अब मुझे सच बताना, आप दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? अब मुझे बताओ, दौड़ोगे या नहीं दौड़ोगे, मुझे बताओ। अब मुझे मैसेज करो, ईमानदारी से मैसेज करो, दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे, मैसेज करो, करो मैसेज। अब आप मैसेज करो, रन, विराज ने तो पहले ही कह दिया भाई, रन 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 करना पड़ेगा, यानी भागना पड़ेगा। आप तो कह रहे थे मैं थक गया हूं, मेरे से चल नहीं पा रहा। ऑफ कोर्स रन, ऑफ कोर्स दौड़ोगे। क्यों दौड़ोगे? क्योंकि अगर बैठ जाओगे ना, और ये कुत्ता पीछे पड़ गया, अरे कुत्ता पीछे पड़ गया, तो तुम वहीं बैठ जाओगे, वो तुम्हें फिर तो जरूर ही काटेगा। ठीक उसी प्रकार से डरोगे ना, अरे मेरे से नहीं हो पा रहा, अरे ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये सच में मुश्किल बन जाएगा मेरे दोस्त, ये सच में मुश्किल बन जाएगा। लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ेगा ना, आप दौड़ोगे, दौड़ोगे नहीं तो एक्शन करोगे, कुछ पत्थर उठाओगे, कुछ डंडा उठाओगे अपने आप को बचाने के लिए। और यही एक्शन है जो आपको बचाएंगे, यही एक्शन है जो आपको सुरक्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप यही सोचकर बैठोगे मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वहीं बैठे रहोगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। एक्शन करो, काम करना शुरू करो, कामयाब हो जाओगे। यानी अपने डर को एक्शन के साथ कंट्रोल करो, ना कि सोच के साथ कंट्रोल करो। क्लियर है? एक्शन करो। हर डर को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है, वो है आपका काम, वो है आपका एक्शन। सो गाइस, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है एक्शन। तो एक्शन करो, क्योंकि डर का खेल है भाई, डर का खेल है। और दुनिया इस डर के खेल के चक्कर में इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाती, नहीं ले पाती, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता। लेकिन डर का खेल है मेरे दोस्त, एक्शन करो, निडर होकर खेलो। डर का खेल है, निडर होकर खेल, और सिंपल सी बात है, एक्शन करो। और यही एक्शन है जो आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब करेंगे। सो हमेशा एक्शन करो, क्लियर है? एक्शन आपको करने होंगे और उस सारे डर को आप खत्म कर पाएंगे। और जाते जाते एक छोटी सी लाइन आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। डर, डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा। पर तू आत्मविश्वास दिखाए, तू डर से आग मिलाए। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चुके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू
अपना हुनर दिखाए, उसी कमजोरी को तो अपनी ताकत बनाए। उसने ये डर तुझसे डर जाए। डर का खेल निडर होके डर से मत डर, डर से मत डर, आगे बढ़, भुला दे डर कुछ। सो आई होप कुछ इंस्पिरेशन लाइन जो मैं आपको बताना चाहता था, आई थिंक इस लाइन्स ने कुछ मैसेज किए होंगे। कभी कहते हैं ना, कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है, कभी कुछ कुछ लाइन्स जिंदगी बदल देती हैं। तो डर कुछ होता है नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, और जितना हम सोचते हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। लेकिन याद रखना, हर डर से निकलने के लिए, हर इस ऐसे डर से निकलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो आपको निकालेगी, वो है आपके एक्शन। तो ज्यादा सोचो मत, काम करो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। सो विद दैट, थैंक यू।